लगता है कि देश गांधी के विचारों से चलेगा, कभी गोडसे और सावरकर के विचारों से देश नहीं चलेगा, चलेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद। ये भारत की बुनियाद है कमजोर और गरीब। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं पटना में, और यहां मिठाई बांटा जा रहा है। मिठाई बांटने का कारण ये है के लैंड फॉर जॉब यानी के ज़मीन के बदले जो नौकरी देने के मामलात में तथा कथित केस किया गया था लालू परिवार के ऊपर, उनमें कई लोगों को जमानत मिली है। राष्ट्रीय जनता दल कभी पीछे नहीं हटा है। हमारी मान्यता है कि देश गांधी के विचारों से चलेगा, कभी गोडसे और सावरकर के विचारों से देश नहीं चलेगा, चलेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद। ये भारत की बुनियाद है कमज़ोर और गरीब, और कमज़ोर और गरीबों के नेतृत्वकर्ता को तो राहत है। ये राहत व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों करोड़ कमज़ोर और गरीब, दलित, अनाथ, सड़कों पर गुजारा करने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, सदियों से इस भारत को भारत माना और इस आशा में मानते रहे हैं कि कल एक दिन हमारी भी बारी आएगी। उसी बारी को देने का प्रयास ही लालू प्रसाद जी ने किया था, और जिसको ये लोग समझते हैं कि हम दंडित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी इस दुनिया के इतिहास को जानते हैं। सिर्फ दंडित करने वाली शक्तियां हैं, उनके हाथों में इतनी कुवत कभी नहीं रही है। जन नेताओं को दंडित किया इतिहास ही नहीं है। जो भी तानाशाह बना है, जो जन के खिलाफ काम करने का प्रयास किया है, उस समय का इतिहास बताता है कि उन मिटा दिए गए। उन कभी न्याय नहीं मिटा इस धरती से, और वही स्थापित न्याय के लिए लिपिबद्ध किया था अंबेडकर साहब ने, और भारत की संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया था। ये भारत में स्थापित लोकतंत्र कहीं से थोपा हुआ नहीं है। जनता ने अपने लिए एक रास्ता बनाया है कि हमारा शासन हमारे लिए कैसा होगा, और इस शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई बता दे कि लालू प्रसाद जी ने आम जन की लड़ाई लड़कर के कौन सा गुनाह किया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि गांधी को नहीं रहने दिया, वो गांधी के विचारों को कभी रहने देगा। लेकिन प्रतिबद्ध है राष्ट्रीय जनता दल आज तेजस्वी के नेतृत्व में। भले स्वास्थ्य आज नहीं साथ दे रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, लेकिन पूरी एक नौजवानों की जमात और पूरी बिहार और देश में तैयार है। संघर्ष हमारा अनवरत चलता रहेगा, अंतिम विजय तक। हम लोग संघियों को, धोखेबाजों को, विघटनकारियों को, राष्ट्र को खंडित करने वाले को परास्त करेंगे, ये हम लोग का वचनबद्धता है। ख्याल कर लीजिए, ये हमारे सभी पुराने साथी, लालू प्रसाद जी के साथी, इस लालटेन के सामने खड़े होकर के अनेकों बार जो विश्वास प्रकट किया है, उसी का एक बार फिर उस पर हम लोग को विश्वास है कि न्याय है और सत्य की विजय होती रहेगी।